सखा राज धर्मपुर से मधेपुर चल गेलन। बाबा मधेपुर में कच्चा सूत के रंथ बिलमा दिलन, रंथ से उतर का अच्छा। पूर्व राज में नजर खिलैलन, बाबा पश्चिम राज में नजर खिला दिलन, बाबा उत्तर सातो खंड नेपाल के देख लेलन अच्छा। बाबा दक्षिण में गंगा के ऊपर मघा मुंगेर के देख लेलन, लेकिन बाबा के कहीं न मिलैया, कहीं न मिलैया माधो के घर द्वार। माधो के ऐसा घर रहे सरकार जो घर देखला से देखे लायक न रहे। माधो के दूरा पर बाबा सोखा खड़ा होतन, बाबा सोखा चारों तरफ देख कर की कहै छन, आ कहाँ तो हर घर हौरे माधो। बाबा सोखा कहे छी रे माधो, कहाँ तोहर घर हो, कहाँ दुआर हो, किनकर कोख में तू जलम या उतार ले 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 हो। लेकिन सरकार माधो तो हुआ रहे ना, अपना घर दूरा पर रहे ना माधो। माधव मधेपुर में जाकर ढेकुल के रोजगार करत रहे, जहाँ गणिनी के साग उपजा कर माधो दीरा सांझ में काट कर बेच बाच के आवे तो अपना दोनों माय बेटा के प्रतिपाल करे। माय अन्हरी हुनकर टाटी के धका बाहर होइया, मने चित धर्म के माय हुनकर सोचैया जे कौन हमरा माधो के गोतिया दिया, आज तक के कोई ना पूछे या, लेकिन कौन ऐसा हितकार आदमी है जब माधो के नाम धका पुकार करैया। वही सवैया में माधो के माय टाटी खोपड़ी धका माधो के नाम जब लेलखिन बाबा, तब माधो की कहै छिन हुनकर दूरा पर आकर की कहै छिन बाबा सोखा के, तो दुनू आँख से अनहर सरकार रहतीन। सोखा बाबा के न देखलखिन आ न चिन्हलखिन, तो की कहै छिन सती माई, आ कहाँ तो घर हो बटोहिया, कहाँ तो घर हो बटोहिया, हाँ कहाँ तो घर हो बटोहिया, से सुझबे न करे रही सरकार अच्छा। तो कैसे बाबा सोखा के देखते चाहे चिंत अन्हरी बुढ़िया कहिया बाबा सोखा से, कहाँ तोहर घर हो बटही, कहाँ तोहर हो दुआर, की नाम तोहर दुनिया में बजैया, की नाम से लोग तोरा पुकारैया।
अन्हरी के बाद सुन गा बाबा सखा की कहै छी आई राजा तो धारामपुर में बूढ़िया सन के बोली बोलई छिन तर तर करई छिन जवाब सुन सुन लेगे बुढ़िया अन्हरी माई तनी दिल धर्म के बाद राज धर्मपुर में गे बुढ़िया हम अगिन कुंड से लेली ह जन्म अवतार हमर सोखा से शंभुनाथ बजैया दुनिया संसार हम करम माधो से मुलकात इतना बात बुढ़िया सुनैया बाबा सोखा के कल जोड़ का प्रणाम करैया कहैया कि हो बाबा सोखा माधो आहो दिन भर करैया हो माधो दिन भर करैया रे माधो के राजा गार रे माधो आधे कुल के राजा गार रे माधो आधे कुल के राजा गार रे माधो आधे कुल के राजा गार रे माधो आ मधुर गरैया के नारिया के बाबा सोखा के कहै छिन ओहे अन्हरी माई कहै छिन जे हो बाबा सोखा दिन भर माधो के ढेकुल चलबैया खेत में पानी पटबैया साँझ के बेरा में गहनरी के साग काट क हाट बाजार में बेचबैया बेचकबैया त दुनो मतारी बेटा के प्रतिपाल होइया
वही सवैया में मधेपुर में बउआ हम रह हो बउआ हम तो केकरो हाथे कोई इसने दयालु आगल तो हुनके हाथे माधो के खाना हम ले जाए रे न तो हमरा तो दुनू आँख से सुझाइय ना आ टूटली मारैया आईना माधो के अशोक जी माधो के माय कहे छी जे हो बाबा टूटल मरैया है माधो के एहे में 72 गो दूरा है एहे में माय बेटा हम पकबै छी खाइ छी रहै छी इतना बात बाबा सोखा सुनलखिन कहे छिन जे गे बुढ़िया तनका हमरा माधो के पंथ बाट बता दे तनका माधो से भेंट मुलाकात क ले ऐ बुढ़िया कहलक के जे बाबा के बतबै छिन पाता हो बाबा चल जाओ है प्राण में माधोपुर में हट के बगल में हमर बेटा ढेकुल के रोजगार करैया भूखले प्यासे हले हमर बेटा वहां ढेकुल चलबै थोए पानी पटबै थोए थो बाबा जाके तू भेंट कर लिया तनी हमर खबर ले ले जा जे हमरा माधो के कहिया के तनी जाके बउआ हो तू अपना माय से मांग के भोजन कर ल बाबा सोखा के वो आंख रहे से दू गो चार गो हो गए यही बुढ़िया के पता ठेकान सुनका आऊ मसाल जाई छन बाबा सोखा बटिया में भी तैया आ पल खे जूम गए माधो के लागा
सोखा के घड़ी के चलल पहर पैरा पितैया पलखे में बाबा सोखा जाठ कुल के रोजगार माधो करैत रहे हुआ बाबा सोखा पहुँच गेलान लेकिन माधो के न बाबा सोखा चिन्है छन आन बाबा सोखा के माधो हो भैया चिन्है छी भैया रे वही बेर में बाबा सोखा देखलन कि एक कोई ढेकुल चलबै ऐसो से चौर में बाबा सोखा की मन में विचार कलखीन अगर ऐसे हम देखम कहे जाए तो माधो कहीं छोल कर जाए लेकिन माधो के बाबा सोखा अपन रूप रेखा के छोड़ दै छीन गाय के चरवाहे के रूप बना कह भाई प्रेमी माधो के पुकार करै छीन बाबा की कहै छीन आइ कहाँ गेलो की ये हो भेला सोखा रूप रंग बदल कर बाबा सोखा माधो के पुकार करै छी जे कहाँ हत हो माधो तोरा दूरा पर अनूप मेहमान आयल हो आई बालक के बात सुन के माधो कहैया जे कौन सन हमरा कुटुम दूरा पर आयल हो भाई प्रेमी तनी बता दो अब माधो जब हिनका पास से बोलैयो तो हिनको बुझा गेल जे हे माधो है माधो के बाबा सोखा की कहै छी सुन सुन रे माधो तनी दिल धर्म के बात ई छोरी दै लौ से तू ले ले रे माधो आ तू हमर भगत छेड़दार बन जो बाबा सोखा माधो के कहै छिन माधो कहिया की बाबा सोखा से जे हो बाबा सोखा हम भाग बालक छेड़दार न बनबो हमर माय अनहरी है हो बाबा सोखा हम माय बेटा गहरी के रोजगार क माय बेटा के प्रतिपाल करे सरकार सतयुग के कहानी है अखनी तो अगर कोई देवता कोई आदमी के कहे तरी हमर भग छरदार बन दो तो एगो लाठी न कहते पंड गोला भैयारी लेकिन सतयुग के समय रहे उस समय में माधव बाबा सोखा की कहे छी आ हम नही ले बहु बाबा सोखा खो
खोजा खोजा हो गोसाइया बाला को छोरी दार 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 गोसाइया हमरा होए बाला कबा हो छोरी बाबा सोखासन के बोली बोलै छिन तर तर करै छिन जवाब माधव भगत के कहै छी जे रे माधव भगत तू हमर बालक छेड़दार न बनबे तू बालक छेड़दार एक मर्दवे बन को तो देख बाबा सोखा के बात सुन के माधव कहियो हो बाबा दूसरा कोई खोज लो बालक छेड़दार हम न हो बालक छेड़दार जे हमर माय अन्हरी है टूटल मरैया में करै छी गुजरात इतना बात बाबा सोखा सुनलन बाबा सोखा कहै छी जे रे माधो तोरा घर द्वार अगर पक्का के बना देबौ माय के तोरा आंख बना देबौ त तू हमर बालक छेड़दार बनबे कि ना बनबे लालच में माधो भगत पड़ जाइयो सरकार लालच लेकिन जीव के काल है लालच जीव के काल है प्रेमी भाई लालच में माधव पर के अपन माय के बाबा से आंखों ठीक करवा लेलक टूटल जे मरैया रहे माधव के जे तीन तल्ला के मकान बनवा लेलक आ माधव की करैया बालक छेड़दार बन जाइया बाबा कहै छिन जे रे माधव बालक छेड़दार बन ले हो त एगो तनी हमरा से गंगा में चल निहारी हे रे माधव आयु मसलो तमसल रे माधव चल रे जब जय हो करैया लालच में परका माधो बहुत मगन में हो गया सोखा बाबा छलिया देवता माधो के गंगा के किनार में ले ले जाय छी माधो के लेकर बाबा के यहाँ के कहानी सरकार यहाँ आगे के कहानी दूसरा भाग में बाबा सोखा के भजन भाव दूसरा भाग में फिर गाकर अपने सबके बतावल जाए रिकॉर्डेड बाय बाबा स्टूडियो फतुहा।